नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभी न्यूज का 19 फरवरी शनिवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। चलिए देखते हैं आज दिन भर की उज्जैन शहर की कुछ खास खबरें। शहर में सूदखोरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ये है कि सूदखोर घर पर जाकर पीड़ितों को पीट रहे हैं, उनके घर में आग लगा रहे हैं और तो और जहर तक पिला रहे हैं। ऐसी एक घटनाक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आजाद यादव के भाई और भतीजों ने रातड़िया के एक परिवार के साथ जमकर मारापीटी की और परिवार की एक महिला को जहर पिला दिया। चल मैं पाऊं दवा के तो कोड़ दे मुंडा। चलो चल मुन्ना भाई। अरे ये हराम का विषय है। वो उतरा वो का नंबर कहाँ है? थाने पे वो ट्रैक्टर कहाँ है? ये देता क्या कांड? अरे नहीं है तो अब आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। तुम्हारे को यहाँ मारे तो कोई आया ना बीच में? हमारे बीच में आया कोई? वो उतरा वो का नंबर कहाँ है? थाने पे वो ट्रैक्टर कहाँ है? ट्रैक्टर टायर फूटा पड़ा हुआ पड़ा था नीचे। तो चलो मुन्ना भाई। अरे ये हराम का विषय है। आपने वीडियो देखा, इसमें वीडियो में वाहन में बैठा शख्स रातड़िया का रहने वाला संजय चौधरी, उसका भाई गणेश है। इसमें कमर पर सफेद गमछा बांधे और सफेद टी शर्ट पहना वाहन के नीचे खड़ा शख्स पूर्व निगम अध्यक्ष आजाद यादव का भाई दिलीप यादव उर्फ दिल्लू, चेक्स टी शर्ट पहना शख्स आजाद यादव का सोतेला भाई राजेंद्र जायसवाल उर्फ मुन्ना और एक शख्स आजाद यादव का भतीजा राहुल उर्फ राजा यादव है। ये तीनों खुलेआम संजय चौधरी और उसके भाई को गालियां दे रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। ये तीनों काट डालने तक की धमकी दे रहे हैं। इस मारपीट की कहानी को समझने के लिए हमें 7 साल पीछे जाना होगा। 7 साल पहले 2015 में रातड़िया के रहने वाले संजय चौधरी, उसके भाई गणेश और बहादुर ने दिलीप यादव से 5 लाख रुपए का कर्ज 10% मासिक ब्याज पर लिया था। दिलीप यादव ने इसके लिए कथित तौर पर एग्रीमेंट किया। रुपए उधार देने के बदले यादव ने संजय से कोरे चेक और पावती रखवाई। बकुल संजय चौधरी 2016 में उसने 11 लाख रुपए दिलीप यादव को लौटा दिए और पावती कोरे चेक और एग्रीमेंट की कॉपी मांगी तो दिलीप यादव ने इसे बाद में देने का वादा किया। हालांकि बाद में वह इससे मुकर गया और 20 लाख रुपए की मांग रखी। चौधरी परिवार ने रुपया चुकाने से मना किया तो शुक्रवार शाम दिलीप यादव अपने सौतेले भाई राजेंद्र जायसवाल, भतीजे राहुल यादव उर्फ राजा के साथ सफारी गाड़ी में गुंडे लेकर रातड़िया पहुंचा। इन्होंने संजय और उसके भाई को घर से निकालकर गाड़ी में बैठा लिया। इस बीच चाकू तलवार और टामी से हमला बोला और घर में आग लगा दी। गांव वालों ने बीच बचाव की कोशिश की तो गुंडे धमकी देने लगे कि इन्हें हमसे कौन बचाएगा। इसी बीच संजय की मां गीता देवी ने बेटों को साथ ले जाने पर जहर पीने की धमकी दी तो दिलीप ने जबरन उसके मुंह में जहर डाल दिया। संजय और उसके भाइयों को निकास पर लाकर बुरी तरह पीटा गया। बुरी तरह घायल संजय और उसके भाई जैसे तैसे छूटे और अस्पताल में दाखिल हुए। संजय चौधरी ने बताया कि कुल 8 लोग आए थे, इन्होंने घर से निकाल कर पीटा और मकान में आग लगा दी। इतना ही नहीं, माँ को जहर भी पिला दिया। इनमें से 3 लोगों को पहचानता हूँ। निकास चौराहे पर रहने वाला दिलीप यादव, राजेंद्र जायसवाल और राहुल यादव को पहचानने की जानकारी चौधरी ने दी। कल शाम को 6 बजे बीच में दिलीप यादव और दिल्लू यादव निवास निकास चौराहा और राजेंद्र जायसवाल 8-10 लोगों को लेकर सफारी गाड़ी में आए और हमारे घर पे चाकू और तलवार से हमला कर दिया और घर में आग लगा दी और हम तीनों भाइयों को और महिलाओं को मारा चाकू और तलवार से। हम लोग टामियों से और घर में आग लगा के बोले कि तुम्हारी तुम्हें मेरे पैसे दो जो तुम्हारी बहन मतलब गाली उठता नंगे नहीं गालियाँ दी लौटतों को हमको सबको। भैया घर से मारिया तीन छोरा ने मारो खूब मारिया इन्होंने तो मैं कि मारो मत तुम्हारा हाथ जोड़ूँ पग पकड़ू तुम्हारा मारो मत तुम्हारा हाथ जोड़ लूँ पग पकड़ू मत मारो तो कि मार डालांग साले को के वो 5 लाख मांग रहा था। पैसा दे चुके किधर से 15 लाख दे दा ने फिर ये तो मैं किधर दवाई पिलू भैया मार लाख मैं क्या करूँगा छोरा मार लाख मैं क्या करूँगा। होटल में चल रही थी कपल्स की रंगरलिया,
सभी एक दूसरे में खोए हुए थे। उन्हें क्या पता था कि उनके आनंद में पुलिस खलल डाल देगी। शिकायत पर दबे पांव पहुंची पुलिस को सामने देख सन्नाटा छा गया। रोमांटिक माहौल दहशत में बदल गया। फिर क्या था, नीलगंगा पुलिस सभी को थाने ले आई। दिन शनिवार और वक्त था दोपहर का। स्थान हनुमान नाका स्थित कृष्णा पैलेस। यहाँ अलग अलग कमरों में मौजूद थे कपल। इस दौरान नीलगंगा पुलिस के फोन की घंटी बजी और होटल में कुछ गड़बड़ होने की जानकारी मिली। फिर क्या था, पुलिस ने अपने को तैयार किया और दबे पांव होटल पहुंच गई। पुलिस को देख होटल संचालक रोहित पटेल और कर्मचारी हक्के बक्के रह गए। इसके बाद शुरू हुई होटल की सर्चिंग। एक के बाद एक कमरों में जैसे जैसे तलाशी पूरी होती गई, कपल्स निकलते गए। पुलिस को सामने देखते ही इनका रोमांस काफूर हो गया और चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। पूछताछ में पता चला कपल्स में कोई मंगेतर है तो कोई जीजा साली। कुछ ऐसे भी लोग थे जो बाहर से आकर ठहरे हुए थे। पुलिस सभी को थाने ले आई। परिवार वालों को बुलाया गया, कुछ को पूछताछ के बाद छोड़ भी दिया गया। इस दौरान कई कपल बिलखते दिखे। पूछताछ में पता चला कृष्णा पैलेस का संचालक रोहित पटेल हरी फाटक स्थित सम्राट होटल का संचालक भी है। इससे पहले भी कृष्णा पैलेस से कई कपल्स पकड़े जा चुके हैं। इस दौरान एक मजेदार वाक्या भी हुआ। होटल से पकड़े गए जीजा साली एकांत तलाशते हुए होटल पहुंचे थे। थाने में ही अफसरों के सामने गिड़गिड़ाते रहे कि घर वालों को मत बुलवाओ। साली बिलख पड़ी तो जीजू के आंसू भी बाहर आ गए। जीजा यह तक बोल गया कि कुछ हो सकता है तो देख लो। हालांकि इस दौरान करीब 8 युवक युवतियों को थाने लाया गया। शिवरात्रि पर मोक्षदायिनी शिप्रा और अवंतिका नगरी को रोशन करने की शासन प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शनिवार को कलेक्टर आशीष सिंह और उज्जैन विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल ने शिप्रा के घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान शिप्रा के दोनों तरफ भूखी माता से लेकर मंगलनाथ घाट तक 12 लाख दीपक जलाने का रोड मैप तैयार किया गया। योजना के तहत 200 दीपकों का एक ब्लॉक तैयार किया जाएगा। एक ब्लॉक में 2 वॉलंटियर तैनात रहेंगे। एक सेक्टर में 50 ब्लॉक होंगे। एक सेक्टर में 10,000 दीपक जलाए जाएंगे। इस प्रकार भूखी माता घाट से मंगलनाथ तक शिप्रा के दोनों तरफ 1.5 किलोमीटर लंबे घाटों पर 120 सेक्टर में 12 लाख दीपक जलेंगे। इसके अलावा महाकाल, हरसिद्धि, मंगलनाथ, चारधाम, शनि मंदिर, टावर चौक सहित शहर के सार्वजनिक स्थानों और देवालयों में 4 लाख और शहर के हर घर में 5 दीपक के मान से 5 लाख दीपक जलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार कुल 21 लाख दीपक शिवरात्रि पर रोशन। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो दीपोत्सव की हमारी तैयारी है महाशिवरात्रि के दिन, और उसमें हम लोग बहुत बड़े भव्य पैमाने पर लगभग 21 लाख दिए जो है पूरे शहर भर में जलें, उस हेतु प्रयासरत है। और इसके 3 भाग होंगे। पहले भाग में जो घाट है हमारे, लगभग नदी के दोनों तरफ 1.5 किलोमीटर के घाटों के स्टेज हैं, उसमें 12 लाख दिए जो है हमारी तरफ से लगाए जाने का प्लान है। इसमें अलग अलग 120 सेक्टर बनाए गए हैं, उनके नोडल बनाए गए हैं, सहायक नोडल बनाए गए हैं, और लगभग 12,000 हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनकी पहचान भी करी गई है। जनता के प्रत्येक वर्ग से, प्रत्येक समाज से जो है लोग हमारे साथ इसमें जुड़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत आज रात 9:30 बजे उज्जैन आएंगे। वे 22 फरवरी तक उज्जैन में ही रहेंगे। वो 22 फरवरी को दोपहर 3 बजे चिंतामन गणेश मार्ग पर नवनिर्मित विद्या भारती के प्रांतीय कार्यालय विक्रमादित्य भवन का लोकार्पण करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 20 फरवरी को सुबह 9 बजे इस्कॉन मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद इस्कॉन परिसर में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मालवा प्रांत के कार्यकर्ताओं की बैठकों में शामिल होंगे। इसमें कोरोना के कारण प्रभावित शाखाओं को मजबूत बनाने और आगामी 3 वर्षों में होने वाले कार्य विस्तार की योजना पर मंथन करेंगे। साथ ही मालवा प्रांत के प्रचारकों के साथ संवाद करेंगे। भागवत इस्कॉन मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। तीनों दिन तक भागवत इस्कॉन मंदिर के समीप बने इस्कॉन के गेस्ट हाउस में ही रुकेंगे। आरएसएस चीफ की उज्जैन यात्रा के मद्देनजर पुलिस ने शनिवार को कारकेड के साथ रिहर्सल किया। विद्या भारती के प्रांतीय कार्यालय से लेकर इस्कॉन मंदिर तक कारकेड दौड़ाया गया। एएसपी आकाश भूरिया ने बताया कि आरएसएस चीफ की यात्रा के मद्देनजर तैयारी की गई है, और जैसा कि शासन से निर्धारित है जेड प्लस कैटेगरी से उनकी सिक्योरिटी है, तो उनकी सिक्योरिटी में तमाम व्यवस्थाएं जो आवश्यक होती है वो सारी व्यवस्थाएं लगाई जा रही है, और उनके लिए हमारा विजिट भी चल रहा है और अभी निरंतर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। कायता के पास स्थित बेल्ली ग्राम पंचायत सरपंच के साथ दबंगों ने मारपीट की। ये लोग सरपंच से इस बात से नाराज थे कि उसने दबंगों के घोटाले की शिकायत की थी। सरपंच की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। सरपंच रामचंद्र पिता रघुनाथ धाकड़ के साथ कायथा के रहने वाले गजेंद्र सिंह राजपूत, देवराज पिता सौदान सिंह राजपूत और 4 अन्य ने मारपीट की। सरपंच ने गांव में उचित मूल्य की दुकान चलाने वाले संचालक के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की थी। कायथा के भाजपा नेता सौदान सिंह के इशारों पर गरीबों का राशन बाजार में बेचने का षड्यंत्र किया जा रहा है।
इसकी शिकायत करने से ये लोग नाराज थे। इसी के चलते सरपंच को घेर कर मारपीट की गई। घटना के बाद रामचंद्र ने कायथा थाने पर शिकायत की, जिस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। चिमनगंज थाने के गणेश नगर में 19 वर्षीय युवती से उसके ही परिचित ने दोस्त के घर ले जाकर दुष्कर्म किया। युवती और आरोपी नागदार रसोई बनाने गए थे। वहां से लौटने के बाद रात ठहरने के लिए युवती परिचित के साथ रुकी हुई थी। यहीं आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। चिमनगंज मंडी थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। धार की रहने वाली 19 वर्षीय युवती को उसकी दोस्त लता निवासी मोहन नगर ने शादी में खाना बनाने बुलाया था। 18 फरवरी को बड़नगर के खरसोत खुर्द में रहने वाला 35 वर्षीय नकुल राजपूत लता और युवती को रसोई बनाने के लिए नागदा ले गया था। यहां से काम निपटाने के बाद रात हो गई तो नकुल ने सभी को गणेश नगर निवासी दोस्त के यहाँ रुकने का प्रस्ताव दिया। सभी ने सहमति दी और रात रुक गए। रात में नकुल ने धार निवासी युवती के साथ दुष्कर्म किया। युवती के शोर मचाने पर नकुल भाग निकला। घटना के बाद युवती ने चिमनगंज मंडी थाने में शिकायत की है। युवती की शिकायत पर थाने में दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना चिमनगंज में आज एक रिपोर्ट आई है, जिसमें खाना बनाने वाली एक महिला है, जिसने अपनी साथी के दोस्त के मित्र द्वारा बलात्कार करने की रिपोर्ट की है, जिस पर से थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। इंदौर रोड के रामवासा टोल प्लाजा पर उन्हेल के कार चालक के साथ टोल कर्मियों ने मारापीटी। सिस्टम हैंग होने की वजह से पर्ची नहीं निकल रही थी और टोल कर्मचारी रुपया चुकाने के बावजूद पर्ची मांग रहे थे। दरअसल उन्हेल में रहने वाले सिकंदर शाह रामवासा टोल से गुजर रहे थे। उन्होंने प्लाजा पर बैठी महिला कर्मचारियों को रुपए दिए, लेकिन इसी दौरान सिस्टम हैंग हो गया और पर्ची अटक गई। चूंकि सिकंदर को जल्दी जाना था, ऐसे में उन्होंने कर्मचारी की इजाजत लेकर वाहन आगे बढ़ा दिया। ये देखकर प्लाजा पर मौजूद कर्मचारी ने दौड़कर उसे रोक लिया और ज्यादा जल्दी जाने की बात करते हुए मारापीटी शुरू कर दी। सिकंदर की आंख पर घूंसा भी मारा। फिलहाल पुलिस ने सिकंदर की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। मारपीट हुई, क्या हुआ? सर मैं गाड़ी लेके आया, मैंने पैसे दिए उनको 30 रुपये टोल के। उनका सिस्टम जो था वो हैंग हो रहा था, तो सिस्टम हैंग हो रहा था, बाकी मैं लेट भी हो रहा था। मैंने उनसे बोला मैडम हमारी गाड़ी निकाल दो, पर्ची बना दो। उन्होंने कहा पर्ची नहीं बनेगी, सिस्टम हैंग है। तो फिर उन्होंने बोला साइड से निकाल लो आप, वहाँ गाड़ी निकल जाएगी आपकी अगले वाले टोल पे। तो मैंने जैसे साइड से गाड़ी निकाल रहा था, वो सामने आया मेरी गाड़ी की और बोलने लगा कि कहाँ जा रही है तेरे को ज़्यादा जल्दी है, पर्ची कहाँ है तेरी? तो मैंने बोला मैंने मैडम को पैसे दे दिए है और मैंने उन्होंने बोला कि सिस्टम हैंग है तो मैं पर्ची नहीं दे सकूँगी तुझे। तो इसमें मैं उसने मेरे को बाहर से बोला तुझे ज़्यादा जल्दी ऊपर चढ़ा दे मेरा गाड़ी और ऐसा बोल के निकल जा। मैंने बोला भाई हट जा, क्यों फालतू की बातें कर रहा? तो वो फिर मेरे को फाटक खोल के मारने के लिए आया और मेरे को मारा और चार पाँच जनों ने मिल के मारा और मेरे हाथ में भी लगी है थोड़ी, और ये उंगली पे पैर पे गले पे थोड़ा सा, ये आँख पे भी मेरा घुसा मारा था सर, 5-6 जनों ने मिलके। ये थाने पे आया, आपने क्या शिकायत हुई है? सर थाने पे रिपोर्ट डाली है अभी। आपका नाम बताओ? सिकंदर शाह। बारहवीं की परीक्षा देकर घर लौट रही छात्राओं को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में 2 छात्राओं सहित 1 युवक घायल हो गया है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हामूखेड़ी में रहने वाली शानू पिता फूलचंद चौहान ममेरी बहन निकिता के साथ 12वीं का पेपर देकर लौट रही थी। शानू का भाई विशाल दोनों बहनों को बाइक से लेकर हामूखेड़ी जा रहा था। इसी दौरान रुकमणी शोरूम के पास देवास तरफ से आ रही टवेरा कार क्रमांक MP4CJ9826 ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार शानू, निकिता और विशाल घायल हो गए। कार सवार घायलों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। यहां से परिजन उन्हें निजी अस्पताल ले गए। फूलचंद के अनुसार तेज रफ्तार कार ने एकाएक टर्न लिया, इस वजह से हादसा हुआ। स्कूल से एग्जाम देके जा रहे थे, ये काल भोपाल तरफ से ही भूषण पेट्रोलियम के सामने एकदम टर्न लिया, बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाए, एकदम से गाड़ी एकदम टर्न लेने के बाद वो गाड़ी में ठुक गए जाके, एकदम टर्न ले लिया गाड़ी ने। कौन कौन था गाड़ी में, कौन घायल हुआ? एक मेरी गुड़िया है माने सानू और एक मेरी बाने जकोर भी है निक्की और बालक, दोनों तीनों घायल हो गए। विशाल चौहान और गुड़िया का नाम है सानू और एक और दूसरी गुड़िया का नाम है निकिता। हाँ मुखेड़ी रहते हैं सर। अवकाश नहीं मिलने से खुदकुशी करने वाले इलाहाबाद के ट्रैकमैन को उज्जैन के ट्रैक मेंटेनर ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कैंडल मार्च निकालकर आक्रोश भी जताया गया। दरअसल इलाहाबाद के ट्रैकमैन रमेश यादव ने खुदकुशी कर ली थी। उन्हें साले की शादी के लिए अफसरों ने अवकाश स्वीकृत नहीं किया था, इससे परेशान होकर उसने खुदकुशी कर ली थी। अपने साथी को श्रद्धांजलि देने के लिए रतलाम मंडल के साथी उज्जैन स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर एकत्र हुए। यहां कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी।
उज्जैन ब्रांच के अध्यक्ष संजय लोधी और जोनल अध्यक्ष राम प्रसाद चंद्रीवाल ने बताया कि रेल प्रशासन के खिलाफ एकजुट होकर प्रदर्शन किया। अन्य साथियों को भी समझाइश दी कि वह भी धैर्य रखें। आज लखनऊ डिवीजन में जो हमारे श्री रमेश यादव जी ने जो आत्महत्या की है वो बहुत ही गलत है। जो PWI से प्रताड़ित होकर आज जो हमारे ट्रैकमैन सुसाइड कर रहे हैं, एक बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो हमारे जोनल के या डिवीजन के जो बहुत सारे अधिकारी हैं, या चाहे DRM हो, सीनियर DN हो, कोऑर्डिनेशन हो, उन सबको अवगत कराए। साथियों, ऐसी जो आज स्थिति आई है, ये स्थिति नहीं आना चाहिए भविष्य में। ये बहुत ही गलत है कदम उठाया है मेरे रमेश कुमार यादव जी ने। लखनऊ डिवीजन NCR में आता है जो कि, और ये ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन की ओर से मैं पूरे WR जोन से आग्रह करता हूँ कि सभी जगह हमारे रमेश कुमार यादव जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा है, और सभी जगह 6 मंडलों में रखा गया है, और ऑल इंडिया में इसकी पूरा विरोध चल रहा है, और ये ट्विटर के माध्यम से रेल मंत्री तक इसे भेजा गया है कि उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। रमेश कुमार यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रमेश कुमार यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और अब खबरें दे दनादन। शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ खिलचीपुर में किया गया। डॉक्टर कविता मंगलम ने बताया, शिविर स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य की थीम पर आयोजित शिविर के मुख्य अतिथि शिक्षाविद डॉक्टर शैलेंद्र पराशर थे। अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर वंदना गुप्ता ने की। रामघाट कुंभ पेड़ी पर विराज श्री राम प्रतिमा स्थापना समिति एवं भगत सिंह सेवा समिति के प्रति मासिक संकल्प पर मां शिप्रा का अभिषेक पूजन कर 1100 दीप जलाकर श्री राम जी की आरती एवं स्तुति की गई। शिवरात्रि पर महादीपोत्सव अभियान में शामिल होने का आमजनों तथा तीर्थ पुरोहितों से आह्वान किया गया। जैन सोशल ग्रुप मुस्कान के बच्चों ने अपने जन्मदिन पर अपनी गुल्लक मनी से 20 कंबल मंगवाए और मंदिर कर्मचारियों को वितरित किए। इस कार्य में मास्टर ऐश्वर्य सुराणा, कुनिका जैन, माधुरी सुराणा, कुशिका जैन का विशेष सहयोग रहा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जज्बा सोशल फाउंडेशन उज्जैन के मुस्लिम परिचय सम्मेलन की प्रचार सामग्री का विमोचन किया। समीर उल हक और नईम खान ने बताया कि अखिल भारतीय मुस्लिम परिचय सम्मेलन आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। डॉक्टर अनिस शेख और सलमान कुरैशी ने बताया कि परिचय सम्मेलन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की पत्नी मालविका नड्डा रविवार को उज्जैन आएंगी। वे सुबह भगवान महाकाल के दर्शन कर फिर अंगारेश्वर महादेव मंदिर जाएंगी। दरअसल वे शनिवार को इंदौर में विवाह समारोह में शामिल होने पहुंची थी। तो आपने देखा अभी न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।